पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा दादा नारायण ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का, माननीय श्री संजय सिंह जी का एवं उनके पूरे परिवार का, उन्होंने मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य दिया और काफ़ी खुशी हो रही है। इस क्षण की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन हाँ एक मेहनत थी, एक भरोसा था। अगर अपनी तैयारी के बारे में बताऊं तो पहले मैं स्टेट बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर था, मैंने ज्वाइन किया 2015 में और 4 साल मैंने काम किए, मेरा प्रमोशन भी हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था सारा चीज। लेकिन मैं जब भी खा रहा था तो मेरी पोस्टिंग मुंबई और महाराष्ट्र वगैरह में रही हमेशा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे संजय सिंह जी ने एक बीड़ा उठाया कि चिकित्सा जगत में हमारे मऊ को कैसे गति देनी है, कैसे नए आयाम प्रदान करने हैं, और चिकित्सा जगत में जैसे मऊ एक हब बना, तो मुझे हमेशा एक अंदर से मलाल रहता था कि यार उत्तर प्रदेश में ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही है, जो मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, जिस लेवल का डेवलपमेंट देख रहा हूँ या जिस लेवल की चीजें देख रहा हूँ। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कि गवर्नेंस का डेफिसिट, कि आपका जो प्रशासन है उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह गई हैं या कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। तो मुझे लगा कि ये एक सबसे अच्छा माध्यम जिसके थ्रू इन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है, जिसके थ्रू इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर संदेश देने की बात की जाए तो मैं कहूंगा कि जो भी बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं या जो भी बच्चे देख, तो वो किसी इंडिविजुअल से प्रेरणा ना, वो अभिषेक कुमार सिंह को देख के प्रेरणा ना लेंगे ना, सोचे अभिषेक कुमार सिंह ने ये किया था तो मुझे भी ये करना। जैसे अभी इन्होंने वेलकम डांस इन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी ये सुन के और अच्छा लगा कि उन्होंने खुद की क्यूरियोसिटी से वो सीखा, खुद से बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी ट्रेनिंग के। तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करिए, माता पिता से ये अनुरोध है और बच्चों से ये अनुरोध है कि किसी बच्चे को फॉलो मत करिए, किसी अभिषेक कुमार सिंह को फॉलो मत करिए। आप अपने अंदर की प्रतिभा पहचाने, हर बच्चे के अंदर अलग है। और माता पिता से ये कहूंगा मैं कि आप बच्चों को प्रेरित करें, जैसे प्रधानाध्यापिका महोदय भी हैं तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें, उनको सोचने के लिए, उनको कुछ नया करने के लिए, कि केवल किसी प्रशासनिक सेवा में जाना ही एक बहुत बढ़िया चीज। जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि उनका सपना था SDM बनना, तो वो नहीं बन पाया, शिक्षक बने। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि शिक्षक का रोल SDM के रोल से शायद और ज्यादा है, क्योंकि वो समाज को बनाते हैं, उनका रोल और ज्यादा है, उन्होंने मेरे जैसे कितने SDM बनाए। तो बहुत ही बहुत है, आप समझ सकते हैं अभिषेक की संवेदनाओं को और पिताश्री के भी संवेदनाओं को। और वास्तव में वो SDM नहीं बन पाए, लेकिन कितने SDM अभी पैदा कर देंगे आप। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े का को लागो पाए, बजारी गुरु आपकी गोविंद जी बताए। तो गुरु की जो महिमा जो बखान किया गया है हमारे साहित्य में, बहुत ऊंचा दर्जा है और आपने उसको साबित कर दिया अभिषेक को SDM बनाया। मेरी सफलता, ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी ये सफलता केवल मेरी सफलता नहीं है, इससे नए द्वार खुलेंगे। जैसा कि मैं UPSC के इंटरव्यू में लास्ट ईयर जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझसे पूछा कि मऊ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, तो मुझे पता लगा कि मऊ डिस्ट्रिक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं। तो क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट है कंपेरेटिवली, तो लोग जनरली बलिया और आजमगढ़ को ही जान पाते हैं, मऊ डिस्ट्रिक्ट के बारे में लोग कम जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि माननीय संजय सिंह जी जैसे लोग और हम जैसे कुछ और लोग आगे ऐसा करेंगे कि मऊ डिस्ट्रिक्ट की पहचान ना बदलनी पड़ेगी। बाकी यहाँ जो भी लोग हैं उनका शुक्रिया करूंगा मैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, बहुमूल्य समय दे दिया मुझे सुनने के लिए। आप जो भी कर रहे हैं, मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने भी कहा था बहुत पहले कि आप मोची का काम करते हैं तो मोची का काम 100% परफेक्शन से करें। आप कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम में हायरार्की मत देखिए, ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। आप किसी भी काम को पूरे तन मन धन से करें और उसमें अपना 100% दें। कि अगर आपको तैयारी ही करनी है या आपको जीवन में कुछ भी करना है, तो आप पहले ये क्वेश्चन करें खुद से कि मुझे ये क्यों करना है। क्योंकि अगर आपको क्यों का सवाल ढूंढ लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत सुखद हो जाएगी और आपको कभी तैयारी के दौरान बर्डन फील नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी काम करें पूरी तन्मयता से करें, ईमानदारी से करें। सफलता दूर हो सकती है लेकिन असंभव बिल्कुल।